हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि है फुल ऑफ प्रोटीन्स, सोया कीमा। जिसके लिए हम लेंगे, सबसे पहले एक पैन में डालेंगे पानी। एक ग्लास पानी मैंने यूज किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप सोया चंक्स पानी में डालेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको उबालेंगे। 2 मिनट इसके साथ ही इसको उबाल लिया है मैंने। आप देखेंगे तो सारा वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब बंद कर देंगे गैस को और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख देते हैं। सोया चंक्स को ठंडा करके मैंने इसका जो वाटर था वो स्क्वीज आउट कर दिया है, और अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है मैंने इसको मिक्सी में। अब एक बोल में डालेंगे ग्राइंडेड सोया चंक्स, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड। 1 कप कर्ड लिया है मैंने। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 15 मिनट्स के लिए इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही साथ हरी मिर्ची, दालचीनी और तेजपत्ता, और सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे। ऐड करेंगे अनियन। अनियन को ज़्यादा आप फाइनली चॉप ना करें, अच्छे से चलाएंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब प्याज भुनने तक इसको पकाएंगे। अब डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च और इसको भी 1 मिनट पका लेंगे इसके साथ। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर और टमाटर गलने तक पकाएंगे 3 से 4 मिनट। टमाटर गलने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून किचन किंग, मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे जो मिक्सचर हमने कर्ड के अंदर करके रखा था, और अब इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर पानी, इनिशियली थोड़ा कम ही डालें, मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो इसमें ज़्यादा पानी डालें, और अगर आपको थोड़ा कम ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें लगभग 1 ग्लास पानी डालें इस तरह से। अब इसको बॉईल लगाएंगे और सिम पे पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट। अब डालेंगे इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, साथ ही साथ 1/2 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 1 मिनट और पकाएंगे। डालेंगे इस पे ऊपर से हरा धनिया, और अब इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो फाइनली सोया कीमा इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को YouTube पे सब्सक्राइब करें, और Facebook, Twitter और Instagram पे भी
सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर की।